hello learners uh, i am going to start today the topic cost of production okay now let us see what do you mean by this because in previous classes you have gone through the various concept now here we are talking about the concept of producers behavior and the cost of production is the most important aspects of producer's behavior. Okay. So let me start this, the explanation of the concept and how do we understand the concept of cost of production which helps uh, to producers and consumers as well to meet their needs and requirement on the basis of these concepts and how goods and services are available and produced in economy. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड यू माइट हैव सीन दैट द पिक्चर इज शोइंग दैट क्वाइंस एंड अ पर्सन इज अरेंजिंग द क्वाइंस सो हियर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग एल्स यह एक एक्सपेंडिचर एक साइड्स को एक्सप्लेन करता है कि हम किन किन वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन पर कितने खर्च करते हैं और किस तरह से हम गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्टेन करते हैं ठीक है आइए सबसे पहले चर्चा करें कि कैसे गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कैसे होते हैं तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करें सपोज इन योर लोकैलिटी अ पर्सन हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश अ फर्म एक फर्म को स्थापित करना चाहता है उस फर्म को स्थापित करने के लिए उसे कुछ कारक की जरूरत होगी इनपुट्स की जरूरत होगी तो वो उन इनपुट्स हम ब्रॉडवे में कैटेगराइज करते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के कारक और एक प्रोड्यूसर एक पर्सन जो रिस्क लेता है एक फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए वो इन उत्पादक के कारको, कारकों के ऊपर खर्च करता है ठीक है तो एक्सपेंडिचर मेड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज कि उस बंदे को एक पीस ऑफ लैंड चाहिए मशीन्स टूल टूल्स इक्विपमेंट्स चाहिए वर्कफोर्स चाहिए काम करने के लिए और एक बंदा जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो खुद एक प्रोड्यूसर है एक उद्यमी है जो ये रिस्क लेता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए so this is the basic introduction of the topic which we are going to discuss in details. next to this, let us talks about the contents which, are, which we are going to discuss. these contents have been summarized as follows. see the contents. the concept of cost. types of cost. definition of cost. And cost function, explanation of total cost, average cost, and marginal cost, and nature and shape of various cost curves, then relationship between various cost curves, we will discuss. We will see all these concepts with the help of schedule, tabular presentation, and interrelationship between different types of cost. लेटस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट कंटेंट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्सेप्ट वॉट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंडिस डिस्कशन वी हैव लिस्टेड आउट सम ऑबजेक्टिव ओवर हियर फॉर क्लियर कट डिस्क डिस्कशन अबाउट द कन्सेप्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट like explicit cost implicit cost opportunity cost social cost etc establish relationship between profits cost and revenue understand the concept of total cost average cost and marginal cost learn methods of drawing graphical presentation of various types of cost understand the application of the concept of cost in our production process or day to day life सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द डिस डिस्कशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो लेट मी स्टार्ट वन बाई वन द कंटेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आई विल डिस्कस द कंसेप्ट मैं इसकी चर्चा करूँगा एक उदाहरण के साथ और सबके साथ एक उदाहरण होगा जो आपको ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से के साथ इसको जोड़ते हुए आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट वट डज इट मीन अ प्रोड्यूसर जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत करता है एक फर्म को एस्टैब्लिश करता है तो बहुत सारी पेमेंट्स जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करने के लिए खर्च करता है बहुत सारा एक्सपेंडिचर करता है जैसे लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर नाउ लैंड पे किया हुआ एक्सपेंडिचर क्या कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज रिसीव्ड बाय समी इज दैट इज कॉल्ड रेंट इसी तरह से वर्कर्स के सैलरी और कंपनसेशन के ऊपर जो खर्च करते हैं ठीक वो हमारे लेबर फोर्स के ऊपर वर्क फोर्स के ऊपर खर्च किया जाता है नाउ उसके बाद से प्रॉफिट अर्न करता है कि ऑन्टरप्रेन्योर एक प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ टेकिंग रिस्क ऑफ अरेंजिंग एंड एस्टेब्लिशिंग Uh, a firm or an establishment for the purpose of production. Now, interest for arranging the capital for the purpose of production. So, these are the broad things. Besides this, so many expenditures are also made on the raw material, electricity, transportation, and so many other aspects which are contributing for the production of. गुड्स एंड सर्विसेज जो वस्तुएँ एवं सेवाओं के उत्पादन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो ये सारे खर्च जो किए जाते हैं उसके लिए जो पेमेंट की जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लीसिट कॉस्ट विच हैज़ बीन सपोर्टेड बाई द एग्जाम्पल द पेमेंट्स ऑफ वेजेजेंट सैलरीज ऑफ परमानेंट इम्प्लॉय पेमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एट्सेट्रा नाउ सेकेंड एस्पेक्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट वॉट डज इट मीन समटाइम्स यू माइट हैव सीन दैट इन योर डे टू डे लाइफ दैट एक बंदा अपने ही फैक्टर्स को यूटिलाइज करता है प्रोडक्शन के लिए जैसे वो अपनी पीस ऑफ लैंड को यूटिलाइज करता है अपने किसी गोडाउंस को यूज करता है प्रोडक्शन के लिए यानी कि दिस इज ऑल्सो नोन एज ओन अकाउंट प्रोडक्शन दिस इज कॉल्ड ओन अकाउंट प्रोडक्शन अ पर्सन इज यूटिलाइजिंग हिज ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इट मींस दैट He, he is not receiving any payment from any outsider and he is not making payment out of that utilization of these factors. So, such type of factor is considered to be implicit cost. Clear? Opportunity cost, what does it mean? Opportunity cost means opportunity lost. It means that. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस विच इज डिफाइंड एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज जब कोई उत्पादक जब कोई उद्यमी किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उसके पास हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा कैसे उसका वो बेटर यूटिलाइजेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर देगा और उससे ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा सपोज मी एज अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल इन अ कॉलेज एंड इन द मीन टाइम आई एम ऑबटेनिंग अ वेरी गुड जॉब ऑफर इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज विद हायर सैलरी सो इन दैट सिचुएशन वॉट वी सी दैट कि जस्ट आई एम टेम्पटेड टू ज्वाइन एंड डू द जॉब इन मल्टी नेशनल कंपनीज and simultaneously i am going to sacrifice the present job so what does it mean ki jo present job ka humne sacrifice kiya hai jo present job ko humne forgone kiya hai ek new opportunity ke liye that would be considered as the opportunity cost for the new job इसी तरह से एक हम डे टू डे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एक फार्मर्स के पास एक piece of land है what he does? ही प्रोड्यूसेज वीट एंड राइस ऑन दैट पीस ऑफ लाइन वो गेहूँ और चावल दोनों का उत्पादन कर सकता है बट वाट ही डज इन प्लेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट द पर्सन इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज लैंड रिसोर्स टू प्रोड्यूस राइस चावल का प्रोडक्शन करता है वो सैमल टनिस ने क्या किया उस बंदे ने उस बंदे ने जो है वो वीट का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस किया है तो देन वॉट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट For producing rice, the opportunity lost of the production of wheat will be considered as the opportunity cost to produce rice. So, this way, the opportunity cost plays a very important role in the modern uh, economy because it gives the sense and provide and develops the judgment ability and decision making power among the producers. निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करता है कि कौन सा रिसोर्स उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा रिसोर्स वो कितने मात्रा में यूटिलाइज करे जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज्यादा वो कर सके और उस प्रोडक्शन से वो ज़्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके सीधे एग्जाम्पल वन आवर्स ऑफ स्टडी टू आवर्स टू टी एपिसोड्स नाउ द क्वेश्चन ऑफ चॉइस इज देयर अगर एक बंदा एक बच्चा आप में से एक दो एपिसोड टीवी का देखना चाहता है ठीक है और वो अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज नॉट जस्टिफाइबल एंड पॉसिबल फॉर यू पीपल बिकॉज कि पढ़ाई को आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है प्राथमिकता देनी है तो ऐसे केस में आपने क्या करना है एक एग्जाम्पल के तौर पे, सो so दैट कि आप इसको प्रेशर फील ना करें इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए दैट इज वाई आई एम टॉकिंग इन दैट वे एंड आई हैव टेकन दिस पिक्चर देखिए इस बच्चे को वन आवर्स ऑफ स्टडिंग इट मींस दैट गेदर पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग टू टी वी एपिसोड्स फॉर वन आवर स्टडी वुड यू लाइक टू डू सो यू मस्ट डू बिकॉज पढ़ाई काम आएगा एपिसोड बहुत काम नहीं आएगा बट हियर आई एम जस्ट मेकिंग ए फन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर आप एक घंटे की पढ़ाई को सेक्रीफाइस करते हैं और दो एपिसोड टीवी की देखते हैं तो व्हाट डज इट मीन कि टीवी एपिसोड वॉच करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ सैक्रिफाइस ऑफ वन आवर ऑफ स्टडी एंड वाइस वर्सा सो इट कि दिस इज द टाइम ऑफ च्वाइस रिसोर्सेज को कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है दिस इज व्हाट वी से दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट सी प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच ए फर्म हैज़ टू एनकर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी लाइक पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड जो भी खर्च तुम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हो या जो भी पेमेंट कर रहे हो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो एक इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा प्राइवेट कॉस्ट लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन सोसाइटी बहुत सारी ऐसी जगहों पे ड्रेनेज सिस्टम को शुरू किया जाता है पार्क में अच्छे अच्छे झूले वगैरह लगाए जाते हैं बच्चों के खेलने के लिए प्ले डेवलप की जाती है स्ट्रीट लाइट के ऊपर खर्च किया जाता है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया तो उसके लिए आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो कि उस पॉल्यूशन से कैसे आप फ्री हो जाओ और कैसे उस पॉल्यूशन का बैड इफ़ेक्ट ना आने दो तो इस तरह के जो सोसाइटी के अंदर एज ए होल आई मीन कि पूरी सोसाइटी और कम्युनिटी मिलकर जो इस तरह की डेवलपमेंट करती है दिस इज नॉन एज सोशल कॉस्ट नेचर ऑफ कॉस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस नाउ प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हमें यह चीज देखना होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो फंक्शन है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ठीक है जिसमें दो बातें हम ध्यान में रखते हैं फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है नाउ द एक्सपेंडिचर मेड ऑन दीज फिक्सड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ फिक्सड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वॉट इज द नेचर ऑफ फिक्सड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सपोज कि आपके सोसाइटी के अंदर कोई बंदा एक आ, फर्म स्टार्ट करना चाहता है तो फर्म से स्टार्ट करने से पहले उसे पीस ऑफ लैंड की जरूरत होगी एक शेड की जरूरत होगी मशीन्स की जरूरत होगी और बहुत सारे ऐसे फिक्स फैक्टर हैं जिसको वो एक जगह अरेंज करेगा ऑर्गेनाइज करेगा उसके लिए वो एक्सपेंडिचर करेगा अप टू दैट स्टेज आपने क्या देखा कि इनको अरेंज करने के पीछे भी प्रोडक्शन का लेवल जो है वो जीरो है इट मीन्स दैट कि फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्च किए जा रहे हैं एक उद्यमी के द्वारा एक ऑन्टरप्रेन्योर के द्वारा एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा ठीक और प्रोडक्शन का लेवल हमारा जीरो है तो इस तरह के जो भी खर्चे होंगे उसको हम क्या कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट ये डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्शन से यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद अब उस एस्टेब्लिशमेंट में रॉ मटेरियल की जरूरत है वर्कर्स की ज़रूरत है काम करने वाले जो डेली वेज पे अवेलेबल हों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कंपाउंड्स हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं आई मीन ट्रांसपोर्टेशन है मशीन्स हैं टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर यूज होती हैं इट मीनस कि जैसे हम उनका उपयोग बढ़ाना शुरू करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स का वेरिएबल कॉस्ट जैसे हम स्पेंड करना शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है ठीक है तो इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ठीक है सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लेट अस कम टू द पॉइंट डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन सबसे पहले हम इसको समझ लें कि डेफिनेशन क्या है कॉस्ट का तो अभी तक जो भी एग्जांपल मैंने दिया उसके बेसिस पर आप कंक्लूड कर सकते हो यू कैन फ्रेम योर ओन डेफिनेशन लाइक कि ऑल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी खर्च आप करते हो लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइज करने के लिए अरेंज करने के लिए और वेरियस फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर मेड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट विच हैज बीन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन यू कैन सी दैट द सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी एक्स सी इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एक्स यूनिट ऑफ आउटपुट इट मीन्स दैट कि एफ सी जो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा और जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट को आप चेंज करेंगे लेवल ऑफ आउटपुट उससे चेंज होगा अब हम डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले है टोटल कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो भी टोटल खर्च किए जाते हैं वस्तु तो एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए उसको हम टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हैं दैट इज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विच आई टोल्ड यू अर्लियर दैट फिक्सड कॉस्ट क्या है कि इवन दो द लेवल ऑफ सी कि इसका नेचर क्या है और कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे शेड्यूल के बेसिस पर इसका एक्सप्लानसन करेंगे लेटस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सी द शेड्यूल फॉर कॉस्ट हेयर इट इज़ आपको जो है बड़ा ध्यान से इसे देखना होगा बिकॉज हमने क्या किया है कि कॉस्ट के सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है उसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे लेवल ऑफ आउटपुट और कॉस्ट में किस तरह से चेंजेज होगा या कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा सी द शेड्यूल यूनिट ऑफ आउटपुट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल फिक्स कॉस्ट टी एफ सी दैट इज टेन रुपीज वन टेन 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 फॉर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द टी वी सी एंड टी सी इट मीन्स लेटर्स सी द टी वी सी इज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो है वो जीरो है जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है आपने क्या देखा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स दैट कि वन यूनिट वन यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें टेन रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट खर्च करना पड़ रहा है ठीक है जब हम सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये टेन से एटीन हो जा रहा है एटीन से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी एट एंड नाउ यू विल सी दैट आई मीन कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनक्रीजेज एट द रेट ऑफ एट डेमिनिशिंग रेट यानी कि हमारा कुल लागत जो है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से घटते हुए रेट से बढ़ रहा है घटते हुए दर से बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 38, 46 एंड 62. टू सी देयर इज टू थिंग्स आर देयर लेट मी एक्सप्लेन that will make you clear about all these things see at different level of output what we see that the tfc is fixed it means ki 10 rupees whether the output increases from 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 whatever increase is there okay total fixed cost remains the same that is rupees 10 let us talk about the variable cost. For one unit of output, a producer spends 10 rupees, variable cost. As the level of output increases, the variable cost increases. But at diminishing rate, you see, you might be asking the question like that, Ki, Sir, this 10 se 18. Kaise hua? It means that so this 10 to 20 or 10 to 22? No. इसका हम आंसर ये देंगे कि जैसे जैसे हम लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा दिस इज अ नॉर्मल फेनोमेना अगर हम एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है अगर हम दो यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे कॉस्ट का वैल्यू जो है वो कम होगा यानी कि एटीन रुपीज हुआ जब हम तीसरे यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट बिकम्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट बट यू माइट बी आस्किंग अगेन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है कम तो हो रहा है हम एग्री करते हैं लेकिन फिर ये बाद में बढ़ने क्यों लग रहा है इट मीन्स दैट कि व्हाट डज इट मीन कि हमारी रिसोर्सेज जो है वेरिएबल फैक्टर्स की वो पूरी तरह यूटिलाइज हो चुकी है अगर हम और यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इट मीन्स दैट कि इनिशियल स्टेज जब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा था डिमनिशिंग रेट से इट मींस की प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट देन इट बिकम्स इक्वल आई मीन की फोर यूनिट एंड फोर यूनिट फोर यूनिट एंड फोर यूनिट दिस पार्ट इज शोइंग कि, I mean कि, कि यहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर जो है वो कॉन्स्टेंट हो रहा है इट मीन्स दैट कि अब ये अलार्मिंग पोजीशन है अब आपको और आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको अपने कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा सो यू सी इट बिकम्स थर्टी टू टू थर्टी एट सिक्स यूनिट सेट यानी कि छः रुपये हमें और लगाने पड़े और आफ्टर दैट इफ़ वी नीड द सेवेंथ यूनिट ऑफ आउटपुट हमें फोर्टी सिक्स रुपीज खर्च करने पड़े फॉर एट यूनिट वी हैव टू स्पेंड सिक्सटीन रुपीज इट मीन्स दैट कि नाउ योर फर्म इज डिमांडिंग मोर एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट सो दिस इज वॉट द शेड्यूल इज शोइंग दैट इज द इमेजनरी शेड्यूल आप अपने शेड्यूल भी prepare कर सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है बट ये बात आप ध्यान रखें कि नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज करेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट becomes constant and finally it increases at increasing rate, which we will verify it with the help of graphical presentation. See the graphical presentation of total fixed cost on y-axis cost is there on x-axis output is there the tfc is a straight line starting somewhere on y-axis what does it mean que even though the level of production is zero there exists some level of cost and what you see that the unit of output increases it becomes moving in i mean uh, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सएक्सिस एंड वॉट यू सी दी एफ सी इज देयर इट इज ऑल्सो मूविंग एट द सेम रेट इट मीन्स दैट कि इट्स शोज कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डे टू डे एग्जाम्पल यू कैन टेक इन योर सराउंडिंग्स एंड यू सी द गमेंट आई मीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेट्रो there was no income at all with in the hands of the government but government was making expenditure to run metro in capital state. okay so in the same way this concept is applicable so what is the nature you see go through this the ats is the parallel to x axis even though the level of output is zero बट देयर एग्जिस्ट सम लेवल ऑफ कॉस्ट टी एफ सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ इनक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट सीधा टी वी सी अब यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन होगा कि ये जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ तो आप शेड्यूल को रेफर करें जो शेड्यूल हमें अभी डिस्कस किया था इसके पीछे कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट जीरो था जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ वन टू थ्री फोर यूनिट बढ़ने लगा Output increases at increasing rate, ah, sorry, diminishing rate. Now, let us see. How many parts divide? This and this. What you see that the total cost increases at diminishing rate 10 to 18, 18 to 24, 24 to 28, 28 to 32. So, 24 to 28, 28 to 32.

लिखा हुआ है ना इनवर्स एस ठीक है तो शेप ऑफ याद कर लेना कि शेप ऑफ टीवीसी कर्व इज इनवर्स एस कभी नहीं भूलोगे और कभी इस शेड्यूल के अरेंजमेंट को नहीं भूलोगे ये एक तुम्हें बेसिस प्रोवाइड करेगा कि जैसे ही टीवीसी की बात हो तो तुम्हारे अंदर एक शेड्यूल आएगा और शेड्यूल के साथ ही तुम्हें वो कर्व याद आ जाएगा ठीक है चले आगे अब देखते हैं इसमें